गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक वीडियो में। तो आज धूप थोड़ी लेट हुई है, अभी जस्ट धूप खिला है, मैं दिखाती हूँ। बाहर थोड़ा सा धुंध है अभी भी। ये है बाहर का कुछ ऐसा। और अभी 9:15:20 हो रहा है, तो वही 9:30 के आसपास बिल्कुल हल्की धूप हुई है। ऑफिस चालू तो मैं भी अपने काम में लगूंगी अभी, और आरू भी अपने काम में लगी हुई है, उसका होमवर्क वगैरह करवा दिया है तो वो अभी देख रही है फ़ोन। और अब मैं बनाने जाऊंगी उसके लिए ब्रेकफास्ट और अपने लिए जूस। तो ब्रेकफास्ट में है आज आरू के लिए मैं बनाऊंगी लौकी सूजी बेसन का चीला, उसे पसंद है। मैं पसंद है मतलब आजकल थोड़ा सा टेस्ट उसका बिल्ड कर रही हूँ खाने की तरफ, कि 4 साल की हो गई और वो सॉलिड उस तरह से नहीं खाती है। और जब ग्रॉसरी आया था तो मुझे पता था कि मैंने बीट मंगाया, और मुझे लगा कि बीट आया नहीं है, मैंने कंप्लेन भी रेज कर दिया था। बट मेरी बेटी ने उसके पहले ही बीट को लग दिया था प्याज के साथ, तो आज मैं प्याज खाली कर रही थी तो उसमें देखा कि बीट है जो कि सूख चुका है हल्का, लेकिन फिर भी इससे जो निकलेगा मैं निकाल लूँगी। और लौकी और बीट का नींबू काला नमक डाल के हम लोग बनाएंगे अभी जूस। तो चलिए बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो लौकी और बीट जो ग्राइंड किया है, क्योंकि मेरे पास जूसर नहीं है वेजिटेबल वाला, तो मैं मिक्सी में ग्राइंड करके बनाती हूँ, तो उसे अभी स्ट्रेन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पल्प्स है वो निकाल देंगे। तो जूस बन गया है, आलू का चीले का बैटर भी मिक्स करेंगे। तो अब डालते हैं सब में मसाला, चीले वाले में हल्दी, नमक, थोड़ा सा चीनी पाउडर, बेसन और जूस में डालेंगे काला नमक, तो ये बीट और लौकी का जूस तैयार हो गया है। और मैंने आलू का बैटर भी बना के रख दिया है। ठीक है, तो हम लोग पी रहे जूस। मैंने पल्प को ये छान दिया था, मैं कभी कभी पल्प के साथ भी पी लेती हूँ। बहुत रिफ्रेशिंग है। तो हमारा जूस फिनिश हो गया है 2 मिनट में, और अब लगते हैं बाकी काम में। और चित्रा कर रही है पोछा, किचन हो गया चित्रा? हाँ, अच्छा अच्छा सूखा नहीं है, ठीक है। आरू यू फिनिश योर ब्राउनी? ओके, तो बस अभी बज गया है 10:15। यस, यू वांट अ न्यू हाउ? ओके, आई विल बाय यू। पर आज ये बनाते हैं आरू से के लिए चीला। Thank you.
उसके लिए सब कुछ बन रहा है, मैं उसका तब तक उधर लंच बॉक्स भी पैक कर दूंगी। तो आप उसे चीले के साथ में कुछ तो कुछ स्नैक्स देना पड़ेगा, तो मैं उसे दे रही हूँ बर्बन बिस्किट। तो उसे जो लंच में दिया है उसे वही ब्रेकफास्ट में भी खाना है, तो चलो। ओहो, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स सिट एंड हैव ब्रेकफास्ट। यू वांट टू गो स्कूल टुडे? यू विल। हाउ मेनी स्टार? वन स्टार, ओके। एंड व्हाट इज योर फ्रेंड नेम आरु? निवान मीत एंड आरुषी को खाना खिलाना कितना टफ है, आधा अधूरा खाना अभी भी बाकी है। आरुषी ये टेंट हाउस में ये। नहीं, सबको देख रही, तो आरुषी गुस्सा हो गई। आरुषी गुस्सा है, अच्छा ठीक है, आरुषी आज छुपेगी और नहीं खाना है। टमी फुल हो गया। कहाँ पे टमी फुल हुआ, दिखा दो फिर मैं चली जाऊंगी। कहाँ पे है टमी, शो मी। तो इसे होमवर्क मिला भी नहीं है, बट फिर भी इसे करना है होमवर्क, तो मैंने बोला है चलो कर लो, टीचर से बात कर लूंगी मैं एक्स्ट्रा पेज के लिए। देन फिनिश इट ना फास्ट। व्हाट इज दिस आरु? दिस माय ऑरेंज। दिस इज योर ऑरेंज? यस, आई ate it. It's orange, it's so sweet, it's so sweet, so juicy. Orange is sweet and juicy? Yes. Okay. तो आरू ने कुछ इस तरह से किया है अपना ड्राइंग कंप्लीट। टीचर से बात करना पड़ेगा कि उसने एक्स्ट्रा पेज कर लिया है। आरू रेडी फॉर स्कूल? Yes. Show me your face. Wow. Mom, is it uniform? Yes. That is my uniform. Yes, it's for it is your uniform. तो मंडे को इन लोगों का यूरो किड्स में चलता है ब्लू टी शर्ट और ये इसका, और नीचे ब्लैक या ब्लू कलर का कोई भी पैंट पहना सकते हैं। तो आरू को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं आरू के लिए चिकन लेने के लिए। आरू के लिए नहीं, बेसिकली आज हम लोग सबका लंच चिकन ही होगा ना। इस पूरे एरिया में पीजीज बहुत है क्योंकि पास में टीसीएस है। तो आज लंच में बनेगा चिकन और राइस, तो मैंने इधर चावल भीगने दे दिया है, जल्दी बन जाएगा। चिकन धो के रख लिया है, इधर टमाटर प्याज लहसुन धो के रखा है, और क्योंकि आज मसाला डालना है मुझे, मसाले के डब्बे में कुछ कुछ मसाले ख़त्म हो गए हैं, ये खाली हो गया सब डब्बा, तो सब मैं डालेंगे। तो प्याज पूरा लाल हो गया है और इसमें ये जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसको चला दिया अच्छे से। तो कपड़ा आयरन हो गया है और ये समेटना है। ओह, मैंने मसाले का ये बंद ही नहीं किया। चिकन देखते हैं, चिकन भी हो गया, सारे से फ्राई रहेगा चिकन, आज पानी नहीं जाएगा। बस अब इसको बंद कर देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी आरू को लेने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑलरेडी हैं तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।